चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया के औद्योगिक क्षेत्र के रिको में कार्य करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, 10 लाख रुपए दिया मुआवजा। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्थित मार्बल के औद्योगिक क्षेत्र के रिको के सीपी मार्बल में कार्यरत एक मजदूर 28 वर्षीय विनोद सालवी निवासी नरपत की खेड़ी की मार्बल पॉलिश चलाने के दौरान बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद 7 कार्य कर रहे मजदूरों ने बिजली को बंद कर दिया। मौत की भनक लगते ही मार्बल मंडी के मजदूर इकट्ठे होने लगे। पुलिस को सूचना देकर मजदूर को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही चंदेरिया थाना सीआई अनिल जोशी टीम के साथ स्थल पहुंचे, जहां मजदूरों ने युवक की मौत के मामले में श्रमिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। चंदेरिया थाना सीआई अनिल जोशी, मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नाहर, भाजपा नेता रंजीत सिंह भाटी, न्यू मेवाड़ मार्बल मजदूर संघ अध्यक्ष जगदीश जाट की मध्यस्थता से मृतक मजदूर को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देना तय किया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। नवबारा समाचार चित्तौड़गढ़ से दुर्गेश कुमार लक्षकार। चंदेरिया रिको में आज एक मामला सामने आया है किसी मजदूर की मौत का, क्या है पूरा वृतांत? सीपी मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे गोपाल सिंह नंदराम सालवी जो नरपत केड़ी का रहने वाला है वहाँ काम कर रहा था। काम के दौरान ही तकनीकी कारणों से करंट आ जाने से हॉस्पिटल लेकर आए, जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह का मुआवजा वगैरह थे? हाँ, इनकी आपस में बातचीत हुई है, किसी एक निर्धारित राशि पर उन्होंने बात की है, वो इनका आपस का मामला है, बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज मार्बल में किस प्रकार का हादसा हुआ और क्या है पूरी कहानी बताइए? हमारे मार्बल इंडस्ट्री एरिया में सीपी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड पर एक गोपाल सन्नभ नंदलाल व्यक्ति काम कर रहा था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसको करंट आ गया है और उसके बाद सूचना मिली। हम मार्बल के सभी पदाधिकारी हॉस्पिटल पहुँचे और परिवारजनों से संदेश करके उनमें आपस में पोस्टमार्टम के लिए। कितनी मुआवजा राशि तय होकर पीड़ित परिवार को प्रदान की गई? कुल 10 लाख रुपए। इनके परिजन भी संतुष्ट है और मैं आपसे बेस्ट के संदेश। किस तरह का पूरा मामला है? जो मजदूर की करंट लगने से मृत्यु हुई है उसमें मार्बल एसोसिएशन द्वारा जो इनके नियमानुसार जिस तरह डेथ हो जाती है तो उनको मानवता के नाते ये जो मुआवजा देते हैं उसमें इन्होंने टोटल मिला के 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि तय की है और इनके परिजनों को